इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के बारे में। आप भी जानते हैं फिल्मी पर्दे पर 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाती थी सुष्मिता अपनी फिल्मी करियर की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, जो कि फॉर्मर मिस यूनिवर्स भी है, जो कि खूबसूरती की मिसाल भी है। 40 की उम्र को पार करने के बावजूद सुष्मिता जो अब तक कुंवारी है लेकिन सिंगल मदरहुड को दो बेटियों के साथ जमकर एंजॉय कर रही है। हाल ही में सुष्मिता सेन को अपनी बेटियों के साथ एक इवेंट में भी शिरकत करते हुए देखा गया था। तो वहीं आपको बता दें, सुष्मिता जो अपनी खूबसूरती को फिल्म इंडस्ट्री का मिसाल बना चुकी है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी कड़वी सच्चाई का वाकया हाल ही के इंटरव्यू के दौरान किया जिसके बारे में शायद आपने अब तक ना जाना हो। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम सुष्मिता सेन से मिलने वाली ऐसी खबर की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि सुष्मिता सेन के साथ भी ऐसी भद्दी हरकत हुई। जी हाँ, आम महिलाओं की तरह ही पब्लिसिटी बटोरने वाली एक्ट्रेसेस के साथ कुछ ऐसी घटिया हरकत भी हो जाती है जिसका उन्होंने दूर दूर तक कभी उम्मीद भी ना की हो। जी हाँ, सुष्मिता सेन जो हाल ही में पहुंची मेक योर सिटी सेफ कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए, इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और शर्मनाक घिनौने करतूतों पर बात करते हुए बताया कि जब उनसे सवाल किया गया था कि आपके साथ तो 10-10 बॉडीगार्ड्स घूमते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होता जो आम महिलाओं को फेस करना पड़ता है, इन सवालों पर सुष्मिता ने जवाब देते हुए रोते हुए अपने आंखों में आंसू को छुपाते हुए एक बहुत ही हैरान करने वाला बेहद ही दर्दनाक सच खोला। उन्होंने बताया लगभग 6 महीने पहले की बात है जब उन्हें इससे भी बेहद दर्दनाक, बेहद ही शर्मनाक करतूत का सामना करना पड़ा था। उनके साथ उनसे बेहद छोटे उम्र के एक लड़के ने कितनी गंदी हरकत की थी और किस तरह वो काफी मजबूर थी। आपको बता दें खुद सुष्मिता ने क्या कहा, खुद ही सुनिए आप उन्हीं से। मौजूदा परिस्थिति के बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? क्या एक वुमेन सेफ है, फील करती है इंडिया में, आपको क्या लगता है? फ्रॉम जो हमने रास्ते में पाया है, जिन आंसर्स से, उनसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि नहीं, अभी वो सेफ नहीं है। अभी भी हम देखते हैं लड़कियों को बस में चढ़ते हुए फिर उतरते हुए, क्योंकि एक महिला भी नहीं अगर बैठी हो तो वो उस बस में नहीं आएगी अंदर। हमें और औरतें चाहिए रोड पर। वी हैव टू गेट वुमेन ऑन, यू नो, कम एंड पार्टिसिपेट, एंड आई एम श्योर दैट इफ दिस मैसेज गोज आउट दैट मोर वुमेन शुड कम इन सपोर्ट, इट विल हैपन। और रही मेरी बात ओके, लास्ट आई जस्ट फिनिश दैट क्वेश्चन। ओके, आई जस्ट फिनिश व्हाट आई वाज सेइंग, एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट छोटे शहरों में तो अनसेफ बिल्कुल ही है, बिल्कुल ही, बिकॉज उनके बारे में हर रोज खबर आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। बट आई एम अ वुमन and I've been in the public eye for 25 years. So many times people think कि आपको क्या मालूम औरतों के साथ क्या होता है हमारे देश में, आपके साथ तो बॉडीगार्ड्स घूमते हैं, आपके साथ you've got all these other facilities to protect you. Let me tell you that where you are eve-teased by two people, we as women in the public eye, even with 10 bodyguards, are dealing with hundreds of men that have often managed to misbehave with us. And we know exactly how it happens in this country, trust me, in volumes. But fark itna hai that at this age, the last time that happened was 6 months ago. I was at an award function, you guys were there as well. 15-year-old boy, 15. And because itne sare aadmi the, usse laga, मुझे पता नहीं चलेगा कौन था। बट दिस इज व्हाई आई टेल यू गाइस, डू सम लर्न समथिंग ऑफ सेल्फ डिफेंस, इट मेक्स यू वेरी अलर्ट। सो आई ग्रैब्ड हिज हैंड एंड आई वाज सो शॉक्ड व्हेन आई पुल्ड हिम अप दैट ही वाज अ लिटिल बॉय, ही वाज 15 इयर्स ओल्ड। टिपिकली फॉर अ मिसबिहेवियर लाइक दैट आई कुड हैव टेकन लॉट्स ऑफ अदर एक्शंस, but because it was a 15-year-old boy, I grabbed him by his neck as if I was saying hello to him. I took him for a walk. सारे भीड़ में आप लोग भी खड़े थे वहाँ पर, मैं उसको से पकड़ के लेके गई और रास्ते में बोला that if I make a hue and cry about this right now,
योर लाइफ विल बी ओवर बच्चा. आई डिडंट डू. ऐसे नहीं बेटा, करा तो आपने. अब ईमानदारी से पहले एक्नॉलेज करो कि किया. आई एम सॉरी. ओके, आपको पता है आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी. इट बी डन. आई प्रॉमिस विल नेवर हैपन. नो, इफ इट डज, आई हैव सीन योर फेस. नाउ गेट आउट ऑफ हियर. दैट्स द डिफरेंस. आई रिकॉग्नाइज इन अ 15-year-old बॉय दैट ही इज़ नॉट बीन टॉट दैट दिस काइंड ऑफ इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट. इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. इट कैन कॉस्ट यू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. बट टू ग्रोन मैन हु आर इन आर कंट्री indulging in worse and gang rapes, they should be hanged without a doubt. There should be no mercy. Understanding or mercy for it. And start hanging them, you'll understand what a consequence is, loud and clear, whether you're in a city or in a village. This I strongly believe. And then we'll think of mercy and a better place to live in. Thank you very much.
subscribe and press the bell icon for latest updates.